अवसर पर सावनेर तहसील के तहसीलदार प्रताप वाघमारे ने खापा थाना अंतर्गत स्थित बाबा लश्कर शाह शाहिद रहमतुल्लाह दरगाह पर पहुंचकर सजदा किया तथा मुस्लिम भाइयों से आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर 12 अगस्त से 15 अगस्त तक समूचे देश में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा इस आयोजन की शुरुआत की। इस अवसर पर तहसीलदार प्रताप वाघमारे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब के नवासे इमाम हुसैन साहब की शहादत को हम भूल ना जाए, इसलिए उनकी याद में हम मुहर्रम मनाते हैं। अपने ईमान पर मर मिटना, अपना ईमान सलामत रखना, सभी को साथ लेकर चलना, सभी को बराबरी तथा हमदर्दी का व्यवहार रखना, सुख दुख में साथ खड़े होना ही सच्ची मानवता है। अनेकता में एकता ही अपने देश की पहचान है। उन्होंने बताया कि हदीस हमें सिखाता है कि वतन परस्ती ईमान है। हमें वतन परस्त होकर हमारे देश के विकास के लिए एक होकर काम करना पड़ेगा। हम सभी भारतवासी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हर घर तिरंगा इस आयोजन के तहत हमें शासकीय दिशा निर्देशों पर ही अपने घरों पर तिरंगा फहराने के बाद भी इस अवसर पर सावनेर पंचायत समिति के BDO दीपक गरुड़, थानेदार अजय मानकर, नायाब नाजर जयसिंह राठौड़, बाबा लश्कर शाह दरबाह के इमाम तथा व्यवस्थापक सहित हिंदू मुस्लिम भाई बहन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उपस्थित मान्यवरों के हाथों उपस्थितों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट किया गया। NBC न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।